नमस्कार मित्रों, हम फिर आज बात कर रहे हैं यूवल नोह हरारी की पुस्तक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। और इसमें आज हम बात करेंगे साइंस फिक्शन 18वां अध्याय। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हरारी का ये मानना था कि जो फेक न्यूज़ है या पोस्ट ट्रुथ जो एरा चल रहा है, इसमें सत्य को खोजने के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता है, और इसलिए जो वैज्ञानिक पद्धति से सत्य प्राप्त होता है उसे ही हमें सही मानना चाहिए। और सोशल साइंस और आर्ट में भी वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ यह है कि जो रेफर्ड जर्नल हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, उसमें स्टैंडर्ड के जर्नल हैं, उसमें जो आर्टिकल आते हैं उन्हीं को हमें सही मानना चाहिए। और जो एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं बड़े बड़े, उनकी पुस्तकों में लिखे हुए विचारों को ही सही मानना चाहिए, उनमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि सामान्य जन तक इस सत्य को पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि विज्ञान भी ये करे कि आर्ट और फिक्शन लिटरेचर का सहायता की सहायता ले। और इसलिए साइंटिस्ट को फिक्शन लिखना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। जो फिक्शन लिखे जा रहे हैं वो साइंटिफिक होने चाहिए, जिससे कि साइंस की बात को साधारण जन तक सरल शब्दों में पहुँचाया जा सके। उसी को ध्यान में रखते ये 18वां अध्याय लिखा गया है साइंस फिक्शन के बारे में। इसमें उसने दो तीन उदाहरण दिए हैं जिस पर पूरा चैप्टर है। एक तो जो साइंस की मूवीज आ रही है, तो जैसे मैट्रिक्स अभी आई थी, तो मैट्रिक्स के दो तीन वर्जन आ चुके हैं। तो उसने कहा जैसे मैट्रिक्स है, या और साइंस की जिसमें स्पेस शिप में जाने की बात है, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं मूवीज़ में, वो जो मूवीज आती है वो हमें, वो बेसिकली विज्ञान का जो विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसको साधारण लिटरेचर या आर्ट की भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। लेकिन ये मानता है कि उसमें काफ़ी कमियां हैं, क्योंकि वो इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम जो मशीनें बनाते हैं, जैसे मैट्रिक्स है या कोई और दो तीन उसने उदाहरण दिए हैं, उनमें उन लोगों को, जैसे उसने उदाहरण दिए हर एंड टीवी सीरीज लाइक वेस्ट वर्ल्ड एंड ब्लैक मिरर, और भी उदाहरण दिए उसने, तो वो ये कह रहा है इनमें क्या समस्या है कि इनमें मशीनों को भी ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो मनुष्य है, यानी मशीन मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगी है। और उसमें जैसे स्त्री पुरुष बना दिए उन्होंने कि दो मशीनें आपस में लव करने लगी है स्त्री पुरुष की तरह, फिर क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसने कहा ये तो फिक्शन, साइंटिफिक फिक्शन नहीं है, ये आप मशीनों को मानव बनाने के प्रयास कर रहे हो, जो गलत है। हमें मूल रूप से जो फिक्शन बनाने चाहिए, जो मूवीज बनानी चाहिए, उसमें बताना चाहिए कि जो साइंस का विकास हुआ है मशीनों में, एआई में, वो एआई कैसे फंक्शन करेगी, न कि एआई कैसे मनुष्य बन जाएगी। तो ये इसका पूरा चैप्टर है। इसमें कहा है कि साइंस फिक्शन की आवश्यकता है, लेकिन वो फिक्शन ऐसे होने चाहिए जो हमें आगे के बारे में कुछ जानकारी दे सके। जैसे उसने उदाहरण दिए हैं कि दो फिक्शन को वो उदाहरण देता है। एक तो जो काफ़ी लोकप्रिय था, हम सब लोग जानते हैं, 1984 जो लिखा गया था ऑरवेल के द्वारा, और दूसरा जो उसने कहा वो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के समय में लिखा गया था अडल्स हक्सले के द्वारा 1931 में। ये दो उदाहरण वो देता है जो कि उसके हिसाब से एक अच्छे साइंस फिक्शन की विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो उसका कहना है कि हमें इस तरह के साइंस फिक्शन लिखने चाहिए या मूवीज बनानी चाहिए जो हमें आने वाले दुनिया कैसी होगी इसके बारे में, एक जो विज्ञान में अब तक प्रगति हो रही है उसको आधार बनाकर एक हल्का सा स्केच हमारे सामने रख सके, जिससे हम उससे लाभान्वित हो सके। चलिए आज इतना ही, देखते हैं। नमस्कार।